सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। यकीनन आप तो मुझे जानते नहीं होगे ना, मैं आपको जानता, बट अगर इसी जान पहचान को आगे बढ़ाना है तो इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। ऐसा नहीं, ज़बरदस्ती नहीं कोई, और हाँ अगर अच्छी नहीं लगे तो तब भी लाइक कर देना यार, बता देना। हाँ एटलीस्ट कमेंट में बता देना फिर क्या गलती करी मैंने। तो इस वीडियो में माइकल को लेनी है कार। अभी इसके पास एक ही कार है, वो भी बाहर खड़ी कर रखी है, ये लाल कलर की। ये भी पता नहीं, शायद इसके पापा ने इसको गिफ्ट करी, पुराने ज़माने की कार है। और कोई कार नहीं इसके पास, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है इसका। इस वजह से इसने डिसाइड किया एक नई कार लेने का, पुरानी भी हो चुकी है काफ़ी, इसीलिए नई कार डिसाइड की इसने लेने का। और वो कार इसने लेस्टर से किसी से बात करवाई, किसी माफिया से, वो नई कार बेच रहा है इसको अपनी, मतलब उसने ली, उसके काम नहीं आई तो वो माइकल को बेच रहा है, या फिर मतलब जो भी उसको पैसे दे उसको ही बेचेगा ना माइकल को। तो अभी माइकल को प्राइस वाइस का कुछ पता नहीं है, हम लोग बस जा रहे हैं। लेस्टर ने बोला कि अगर तुम्हारे प्राइस पड़ जाए तो ले लेना, मतलब कोई बात नहीं, जाते हैं पहले तो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। अरे भाई साहब, गया 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 टायर गया, एक और टायर गया। भाई मैं ईमानदारी से पैसे कमाने गया था, लोगों से प्यार से मांगने गया था, क्या कर सकते हैं, गन निकालनी पड़ती है जब लोग नहीं देते हैं। बट कोई नहीं, तुम्हारे भाई की ड्राइविंग छोड़ ही दो। तो गाइस ये कार चेंज देख के वो मत हो जाना, कार मैंने इसलिए चेंज करी है, वो बहुत धीरे चल रही थी, भागू भी 1200 से। इसके भी टायर वायर फोड़ दिए, पता नहीं टायर चेंज हो क्या ऑब्सेशन है, टायर सबसे पहले फोड़ देते हैं गाड़ी के। हाँ तो गाइस पीछा छुड़ा लिया मैंने पुलिस वालों से, अब फटाफट लेस्टर से पहले कॉल मिला के पूछते हैं कि कहाँ पे मिलेगा वो माफिया, उसकी लोकेशन क्या होगी, लोकेशन मांगते हैं लेस्टर से। और यार ये कार भी बड़ी बेकार हो गई, सोच रहा हूँ किसी दूसरे की चुराऊँ। तो गाइस लेस्टर ने लोकेशन भेज दी है ये रही, और ये बाइक भी मैंने चुरा ली है, मतलब मांग ली है किसी से प्यार से। फटाफट चलते हैं लोकेशन पे कार लेके आने, कार लेके आते हैं, चलते हैं गाइस, लेट्स गो आराम से भाई। ड्राइविंग तो मेरी बेस्ट है बट फिर भी माइकल का भी कॉल नहीं चला पाता। बस पहुंचने वाले हम लोग भी, एक मिनट मेरे को घूम के वापस नहीं आना भाई। GTA 5 के मैप को भी किसी ने गूगल का मैप समझ लिया, मतलब पकड़ा दिया गया, मेन रोड के अलावा कोई दिखाई नहीं सकता, फालतू में इतना घुमा दिया। पूरा घूम के आता है यहाँ पे, एक क्या ही नाम लगा GTA वाले भी। बट कोई नहीं, चलते हैं फटाफट लेके आते हैं अपनी कार। तो गाइस आ गया हूँ मैं यहाँ पे, कहीं से देख नहीं रहा हूँ। अच्छा अच्छा यही पे सामने ही है, उसने मेले के पास ही बोला था, लेस्टर ने मेले के आसपास मिल जाएगा। और ये रहा भाई माफिया, तो अच्छा खासा है, देखो बॉडी गार्ड्स हैं, एक दो तीन बॉडी गार्ड है। कार देखो भाई, कार बोला था ना, इस कार का नाम BMW M5 करके है, मोटर स्पोर्ट्स की है, मेरे को ज़्यादा कंफर्म नहीं है, M5 करके इसका नाम है। कार देखने में एक नंबर लग रही है, ब्लैक कलर। एक बार मैं आप लोगों को उसका इंटीरियर दिखा देता हूँ, मस्त लग रहा होगा भाई, एक बार कमेंट में जरूर बताना अगर इंटीरियर इसका मस्त लग रहा हो, मेरे को तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। उससे प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, कितने में देगा। तो गाइस यहाँ पे तो अपना पोपट हो गया, जितने में पैसे लेके आया था उससे डबल मनी बता रहा है, डबल का भी नहीं ट्रिपल मान के चलो, तीन गुना पैसे बता रहा है, उतने में बेचेगा, इतने तो औकात नहीं है भाई माइकल की अभी फिलहाल, तभी चिंदी चोर वाले काम करता है। बट कोई नहीं,
अपने पास प्लान बी आज कार को घर लेके ही जाने हैं। प्लान बी भी है अपने पास, फटाफट खड़ी करते हैं, देखते हैं। ये लोग उस साइड हैं, इनके सामने से जाऊंगा तो इन्हें साफ पता चल जाएगा। मैं एक काम कर सकता हूँ, इस पानी में से तैर के अपने नीचे से जाके मैं उनके पीछे जा सकता हूँ बहुत आराम से, वहाँ से मैं इन लोगों को मार दूँगा। तो गाइस मैं आ चुका हूँ इन लोगों के पीछे, देख लो पूरा तैर तैर के आया हूँ, कपड़े पूरे गीले हो गए मैं गीले, पूरा तैर के आया हूँ मैं इन लोगों के पीछे। और ये खड़े दोनों टकले अभी भी यहीं खड़े हैं, पता नहीं क्यों, लगता है इनका बॉस मेला घूमने गए। तो यहाँ से तो मार नहीं पाऊँगा, ऊपर चलता हूँ ताकि रिस्क कम हो और चुपचाप चलना पड़ेगा। इनको पता चल गया तो भाई पोता बना देंगे माइकल का, माइकल अकेला है यहाँ पे, तीन तीन गार्ड है उसके अकेला, वो भी है बॉस भी है इनका। तो अभी चलते हैं, और एक काम और अच्छा करवा रखा है मैंने, अपनी गन में साइलेंसर लगवा रखा है तो आसपास ज़्यादा शोर नहीं होगा जब तक लोग कोई देखेंगे नहीं, तो इतना पुलिस से बच के रहेंगे हम लोग जब तक के लिए, थोड़ी देर के लिए वो मिल जाएगा वरना पुलिस तो आ ही जाती है। ये खड़े तीनों टकले और एक इनका बॉस, फटाफट देखते हैं किसको पहले उड़ाना है, बहुत ध्यान से उड़ाना पड़ेगा वरना अगर इन्हें हल्का सा भी शक हुआ या फिर थोड़ी सी भी टाइमिंग ऐसी तैसी हुई तो ये लोग मेरी ऐसी तैसी कर देंगे। ऐसा करते हैं पहले इसको अरे भाई साहब गलती हो गई, अरे यार सारे अलर्ट हो गए ये लोग, सारे के सारे अलर्ट हो गए। अरे वो टकरा नहीं लग रहा इसको, भाई मेरा एम हग रहा है भाई माइकल, यहाँ पे बैठ मत माइकल, मार उठ के हग मत यहाँ पे बैठ के, फटाफट मारता हूँ उनको, निकलता हूँ उनकी कार लेके नाम के माफिया थे। अरे अभी भी जिंदा है क्या तू भाई, नाम के माफिया थे एक ही बार मर गए। चलो फटाफट अब इनकी कार लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं, पुलिस के आने में गए। कार की स्पीड देखो आप लोग एक बार, एकदम मस्त कार की स्पीड है, एक तो सही लग रही है। फटाफट लेके निकलते हैं इसको, अपनी मेहनत से कमाई हुई, कोई चोरी की नहीं बोलेगा इसको। मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी हमने इसे चुराया पुलिस तो पीछे पड़नी पड़नी है, तो उससे बचने के लिए क्यों ना इसको पेंट या फिर पेंट करवा लेते हैं। तो देख लेता हूँ मेरा घर इसी एरिया में, तो इसी के आसपास कोई कस्टम लॉस सैंटोस कस्टम मिल जाए, मेरा मेरा घर पास में है इससे, यहीं पे चलते हैं और जल्दी से गाड़ी को मॉडिफाई करवा लेते हैं, पेंट करवा लेते हैं, मॉडिफाई पेंट करवा लेते हैं, देख लेंगे थोड़ा बहुत छोटा बहुत या फिर इसमें कुछ भी हो रहा हो वो भी करवा लेंगे। तो भाई हम लोग आ चुके हैं लॉस सैंटोस कस्टम और भाई ड्रिफ्टिंग आ गए पास में, करवाते हैं इसमें कलर चेंज। What miracle did you want me to perform? तो गाइस आ गई अपनी नई BMW, कलर इसका आप लोग कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें हर एक चीज़ कस्टमाइज करवाई है, इंजन से लेकर टायर तक, लाइट भी लगवाई नीचे ब्लू कलर की। कमेंट में ज़रूर बताना कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, और आवाज़ सुनो एक नंबर आवाज़ करती है इसकी, और आप ड्रिफ्ट भी कर सकते हैं इसमें, जहर हो गई मेरी गाड़ी। ऐसे करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अरे आराम से नहीं गाड़ी भाई ठोकनी नहीं है, आराम से सीधा इसको अपने घर लेके चलते हैं, वहाँ खड़ी करते हैं क्योंकि अभी अभी चुराई है, ज़्यादा लेके घूमना सही नहीं है, वैसे तो नई गाड़ी है बट फिर तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने घर के पास। और एक बार साइड से गाड़ी देखो भाई, क्या ही जहर लग रही है चलते हुए, एकदम जबरदस्त लग रही है। आ गए घर पे, घर
खड़ी करते हैं इसको फटाफट गैराज में। और मैं सोच रहा हूँ इसको कुछ दिन ना चलाऊँ, कुछ दिन बाहर ना निकालूँ। ये अभी चोरी की गाड़ी है तो पुलिस भी रोक सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल इसको कुछ दिन गैराज में ही खड़ी रखेंगे। Anyone? और बस कर भाई माइकल ज़्यादा ट्रस्टेड इंसान रहने दे। बस गाइस आज की वीडियो में एक हाइस्ट, छोटी सी हाइस्ट थी माइकल की। इसका आगे की वीडियोस आती रहेंगी, इसके पार्ट आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताएं। और इस गाड़ी को ख़रीदने के बाद माइकल तो भाई गरीब तो हो ही चुका है, तो अब उसे पैसे कमाने के लिए कुछ और भी हाइस्ट चोरी वोरी करनी पड़ेगी। तो कमेंट में कोई सजेशन देना कि क्या करना चाहिए मेरे को नेक्स्ट माइकल की इस कंडीशन को सुधारने के लिए। थैंक यू, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाय।